जी जी आप बताइए। कब से कैसे भी मिलेंगे जी? वैसे नहीं मिले मुझे बे नजीर गए, जब पहले तुम्हारे शनाख्ती कार्ड वो वाला प्रोग्राम बंद हो गया ना। अच्छा, इसलिए आपको दूसरे में शामिल किया। अच्छा, इस्तेमाल और ये स्प्लिट भी कर सकती हैं। ये हम इसको फिर इस तरह की इनको वो आ जाते हैं कि आपने ये वॉलेट में इतने 12,000 डाले और आपने इतने निकाल लिए। एक रिसीट हमारी ट्रेस एंड ट्रैक के लिए हमारे रिकॉर्ड्स में होती है और एक रिसीट इनको साथ में जाती है। तो ये हम अब इनको साथ दे देंगे इनके आइडेंटिटी कार्ड के साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं सानिया मुश्तर आपको और आपके एहसास की टीम सेक्रेटरी यूसुफ खान आप सबको मैं खराज तहसीन आज पेश करता हूँ, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक की इस वक्त आपको एक एजाज़ दिया गया कि दुनिया के अंदर एहसास प्रोग्राम चौथा सबसे कामयाब प्रोग्राम समझा गया। ये कोविड के दौरान जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया, जो दिया गया उस मुतासर तबके को, जिस तरह हमें पता है कि कोरोना के अंदर जो सबसे लोग मुतासर हुए वो चाहे अमीर मुल्क थे चाहे गरीब मुल्क थे, जो गरीब थे अमीर और गरीब मुल्कों में वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। दुनिया में जो गुर्बत है वो इस एक साल के अंदर मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं, लेकिन करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के से नीचे चले गए ये जो कोरोना के दौरान जो लोग लॉकडाउन लगाए गए। लॉकडाउन का मतलब ये जब इकोनॉमीज बंद की गई तो जो तबका सबसे ज्यादा इसकी बड़ी अहमियत है। इसकी दो वजह से अहमियत है। एक तो दुनिया में ये एक चीज साबित हो गई कि जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोग आते हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जैसे जैसे वो रजिस्टर होते हैं उस मुल्क में गुर्बत कम होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा इसका जो पहलू वो ये है कि जब ख्वातीन की मदद की जाती है, जब उनको उनको आप रोजगार देते हैं या उनको जो इसका जो लफ्ज है फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको भी आप लेके आते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, तो वो उससे सबसे तेजी से गुर्बत कम होती है। और ये इसकी
जो सानिया ने बताया भी कि और मुल्कों के अंदर भी, नाइजर में और कीनिया में और बांग्लादेश में, ये सब एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि जब इनकी मदद करें आप, ख्वातीन को मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनको ये जो आज मोबाइल वॉलेट यानी उनको भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आए, तो वो फिर उनकी उनको अब कंट्रोल आ जाता है अपनी जिंदगी पे, वो पैसे बचा सकती हैं, वो फिर और बिजनेसेस शुरू कर सकती हैं। और जो हम एहसास प्रोग्राम के जरिए उनकी डायरेक्ट इमदाद करते हैं तो उसको वो फिर बेहतर इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये जो आज आपने लॉन्च किया, इंशाल्लाह जिस तरह बाकी आपके प्रोग्राम्स माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, जो बड़ी देर प्लानिंग, 2 साल तो प्लानिंग में लगी थी, तो अब वो जमीन पे, वो इम्प्लीमेंटेशन पे प्रोग्राम आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो आज हमने लॉन्च किया है ये फाइनेंशियल बचत अकाउंट, इंशाल्लाह इसका भी, ये भी कामयाब होगा। मैं क्वीन मैक्सिमा का नॉर्वेजियन एम्बेसडर, उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने खास पाकिस्तान आई और उन्होंने इस चीज़ में हमारी मदद